नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल एंड हेलो। इंडिया टॉक के इस नए एडिशन में मैं आपका होस्ट गौरव शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अपने इस शो में हम हमेशा कुछ नया आपके लिए लाने का प्रयास करते हैं। उसी रीत को चलाते हुए हम आज एक महत्वपूर्ण विषय पे आपसे बात करेंगे। हम बात करेंगे पंडित लेखराम के अद्वितीय साहस की। हम बात करेंगे कि भारत किस तरह अपने ऊपर होते हुए सांस्कृतिक आक्रमणों का डट के मुकाबला करता आया है। तो चलिए बिना समय गवाए आरंभ करते हैं। अभी पिछले सप्तांत अमेरिका में डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व नाम की एक कॉन्फ्रेंस की गई। इस कॉन्फ्रेंस का विरोध विश्व भर में हुआ। अमेरिका और कनाडा में बसे हिंदुओं ने इसका जम के विरोध किया। स्थानीय विश्वविद्यालय जो इस सम्मेलन को आधिकारिक रूप से समर्थन दे रहे थे, उन्हें पत्र लिखे गए और कुछ संगठनों ने यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन भी किए। मैं अपनी बात यहीं से आगे लेके चलता हूँ। हमने इसका विरोध किया और करना भी चाहिए था, पर क्या आप सोचते हैं कि ऐसा पहली बार हुआ है? इसका उत्तर बिल्कुल सीधा है, नहीं। भारतीय सोच, उसकी संस्कृति, भाषा, समाज, उसके वर्ण आदि पे तो हमला पिछले कितनी शताब्दियों से चल रहा है। आज आप और मैं इसके बारे में जानते हैं और बात कर पा रहे हैं क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का युग है। अब मैं यहाँ कनाडा में बैठा हुआ अपनी आवाज़ विश्व के किसी भी कोने में पहुँचा सकता हूँ। पर सोचने वाली बात ये है कि ये आक्रमण जो इतने भयंकर थे, उस समय हमारे पूर्वज कैसे इससे लड़े होंगे, इसका सामना उन्होंने किस प्रकार किया होगा, कैसे अपने विचार पूरे समाज तक पहुँचाए होंगे, और तो और वो विचार ऐसे कि आज तक भी आप और मैं उन्हें जान पा रहे हैं, उन्हें पढ़ पा रहे हैं, उन पर टीका टिप्पणी भी कर सकते हैं। जो युद्ध हमारे पूर्वजों ने किया वो केवल तीर कमान, भाले, तोप और तलवारों तक ही सीमित नहीं था। ये हमला हमारे अस्तित्व पर था। ये हमला हमारी सदियों से चली आ रही वैदिक परंपरा पर था। इस हमले से लड़ने वालों की सूची बहुत ही लंबी है और इसी सूची में सुनहरे अक्षरों में जिस वीर के बारे में मैं आज बताऊंगा, उनका नाम था पंडित लेखराम। ये तो हम सभी जानते हैं कि 1875 में महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी भाषा में पहला ग्रंथ लिखा था। यह वह समय था जब 1857 की क्रांति के बाद हिंदू समाज अपने आप को बहुत छीण पा रहा था। सैकड़ों वर्षों तक उसने मुगल्स आक्रांताओं का डट के सामना किया था और अब एक नया आक्रमण हो चुका था। उसके सामने एक ऐसा दुश्मन खड़ा था जिसके बारे में वह कुछ भी नहीं जानता था। अंग्रेज समाज कैसा है, उसकी सोच क्या है, कोई पूर्व पक्ष करने का भी समय हमारे समाज को नहीं मिला। ऐसे समय में आर्य समाज इतने बड़े अंधकार में सूर्य की एक किरण सा प्रतीत हो रहा था। 1883 में स्वामी दयानंद के निधन के बाद भी आर्य समाज ने वीर आर्यों को प्रेरित किया। इन्हीं में से एक थे पंडित लेखराम। पंडित लेखराम का जन्म 1858 में सैयदपुर नाम के गांव में हुआ। ये गांव आज पाकिस्तान के झेलम जिले में है। अपनी आरंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने पुलिस में नौकरी कर ली। इस नौकरी में उनकी उन्नति भी हुई, लेकिन कुछ समय बाद उनका परिचय स्वामी दयानंद से हुआ। उनके विचारों से प्रभावित होने के बाद पंडित लेखराम ने पुलिस की नौकरी छोड़ दी। वेदों के प्रखर वक्ता होने के कारण पंजाब में आर्य प्रतिनिधि सभा में उन्होंने अनेक मंतव्य दिए। उन्होंने उर्दू और फारसी में 30 से भी अधिक पुस्तकें लिखी जिनका आज अनुवाद हिंदी, सिंधी और अंग्रेजी में भी हो चुका है। जैसा हम जानते हैं कि हिंदू समाज में बलात् मतांतरण एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका था और आज भी है, पर हिंदू संस्कृति में किसी भी व्यक्ति का रीकन्वर्जन कराने की कोई भी विधि नहीं थी, कोई साधन नहीं था। आर्य समाज ने ऐसे समय में शुद्धि आंदोलन को शुरू किया। इस आंदोलन में जो भी हिंदू अपना मजहब बदल के मुस्लिम बन गए हैं पर किसी कारण से वह वापस धर्म अपनाना चाहते हैं, उन्हें आर्य समाज ने अपने यहाँ जगह दी।
पंडित लेखराम के जीवन के दो ऐसे अध्याय यहाँ आपसे साझा करता हूँ जिन्हें सुन के आप गौरवान्वित महसूस करेंगे। एक शाम वह अपने काम से घर लौटे तो उनकी धर्म पत्नी ने कहा कि उनके पुत्र का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसे तुरंत ही डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तभी उन्हें एक टेलीग्राम मिला जिस पे लिखा था कि कल पायल गांव, जो कि पटियाला ज़िले में था, कुछ हिंदुओं को मुसलमान बनाया जाएगा। अपने बेटे और परिवार की चिंता किए बिना लेखराम उसी समय रेलवे स्टेशन की ओर निकल पड़े और पायल गांव को जाने वाली ट्रेन में चढ़ गए। ये ट्रेन पायल गांव से होके निकलती थी पर वहां रुकती नहीं थी, इसलिए लेखराम चलती हुई ट्रेन से कूद गए। उन्हें गहरी चोट भी आई। अगले दिन उन्होंने कन्वर्जन वाली सभा में जाके ललकारा और मौलवी को शास्त्रार्थ करने को कहा। कहा कि यदि तुम मुझसे जीत गए तो इन हिंदुओं के साथ मैं भी इस्लाम कबूल कर लूंगा। उस शास्त्रार्थ के उपरांत कोई कन्वर्जन वहां नहीं हुआ, पर उन्हें उनके बेटे की मृत्यु का टेलीग्राम जरूर मिला। शुद्धि आंदोलन की गतिविधियों और वैदिक धर्म के प्रचार के कारण अब पंडित लेखराम के शत्रुओं की संख्या भी बढ़ गई थी। अहमदिया पंथ के मिर्जा गुलाम अहमद को अब वो फूटी आंख नहीं भाते थे। उन पर कई तरीके से हमला करने का प्रयास भी किया गया, परंतु वे अपनी निष्ठा पर अटल रहे। फरवरी 1897 में एक युवा मुसलमान लड़के ने उनसे संपर्क बिठाया और उनसे ये प्रार्थना की कि वह दोबारा हिंदू बनना चाहता है। एक परछाई की तरह वह लेखराम के साथ रहने लगा। आर्य समाज के अन्य सदस्यों ने लेखराम को समझाया और उस लड़के को लेकर अपनी शंका उन्हें बताई, पर उन्होंने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। 5 दिसंबर 1897 की शाम को वह अपने घर पे अपनी माता और पत्नी के साथ थे। वह लड़का भी वहीं था। उनकी माँ ने उनसे मंडी से कुछ लाने को कहा। जैसे ही लेखराम अपनी चारपाई से उठे, उस लड़के ने बड़े से चाकू को लेखराम के पेट में उतार दिया। उन्होंने प्रतिकार करने का प्रयास किया पर बहुत खून बह जाने के कारण उनकी पकड़ कमज़ोर हो गई। उनकी चीख सुनके उनकी पत्नी दौड़ी आई तो उस लड़के ने उनकी पत्नी को एक लकड़ी से जोर से मारा और धक्का दिया। उनकी माँ की चीख पुकार सुनके आसपास के लोग जमा हो गए। लेखराम को हॉस्पिटल ले जाया गया पर बहुत खून बह जाने के कारण उन्हें बचाया ना जा सका। उनका देहांत हॉस्पिटल में रात के 2 बजे 6 दिसंबर को हो गया और इस तरह एक वीर आर्य ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। मैं ये नहीं जानता कि आप जब ये सब सुनते हैं तो आपको कैसा लगता है, पर जैसा मुझे लगता है वैसा मैं आपको बताता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जीवन ऐसे अनंत जाने अनजाने महान लोगों का ऋणी है, ऐसे महापुरुष और वीरांगनाएं जिन्होंने अपना सर्वस्व लुटा दिया। मेरा जीवन उनका सदैव ऋणी है। इस ऋण को उतारा तो नहीं जा सकता, संभव है कि इसे कुछ कम किया जाए, जिसका उपाय है कि हमारा जीवन भी धर्म युद्ध में समर्पित हो। थोड़ा ही सही, पर हम अपना योगदान इस हवन कुंड में जरूर दें। डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व जैसे सम्मेलन तो अभी हमारे जीवन में और भी आएंगे, पर उसका प्रतिकार भी हमें करना होगा। यही हमारा धर्म है। आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अपने विचार भी हम तक पहुँचाते रहिए। कोरोना काल के इस समय में अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।